जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइएगा और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखेंगे। आपको बिल्कुल फ्रीली ज्योतिष जानकारी चाहिए, कुछ ही दिनों में मैं नंबर आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आपकी राशि के लिए आपके इष्ट देवता कौन है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, तो देखिए बात इष्ट देव की हम करेंगे कि आपके इष्ट देवता या इष्ट भगवान क्यों कौन से हैं। उससे पहले एक बात है कि अगर आप अपने माता पिता घर में हैं या जो आपके पालक हैं उनके प्रति यदि पूर्ण आस्थावादी या उनका ख्याल नहीं रखते हैं, उनको सही तरीके से नहीं रखते हैं, जो कि आज के युग में आपने आपके अड़ोस पड़ोस या आप स्वयं भी करते हो या आप नहीं भी करते हो, पर आप इस चीज़ को देखते होंगे कि बेटा बड़ा हो गया, माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रखता, दादा परेशान, दादी परेशान या उसके माँ बाप परेशान, ये चीज़ें आज के युग में हो रही हैं। तो इष्ट देव को प्रसन्न करने के पहले सबसे पहले अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। उनकी आवश्यकताएं जो हम पूरी कर पाएँ उन्हें पूरा करना चाहिए। उनका पूरा ख्याल इस उम्र में रखना चाहिए, चाहे वो बुढ़ापे में हो या वो जिस भी हाल में हो, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने जो फैसले लिए वो हमारे हित के लिए होगा। मन मुटाव माँ बाप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम इस संसार में आए हैं। तो जो हुआ उसे भूलें और अपने केवल माँ बाप की पूरी सेवा करें। दूसरी बात, अब आप इष्ट देव की बात हम कही तो हमारे सबसे पहले इष्ट देव में माता पिता को ही, मेरा व्यक्तिगत मत है, आपका और कुछ मत हो सकता है। दूसरी बात है कि आपको किन देवी देवताओं में ज़्यादा रुझान है। हर व्यक्ति का किसी भी ईश्वर के प्रति बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो आप वो खुद एनालिसिस करें कि आपको कौन सा भगवान या कौन से ईश्वर के प्रति आपकी बहुत अटूट श्रद्धा है। तो आप खुद से एक बार किसी एकांत जगह में बैठें, शांति से इस बात को सोचें, आप खुद आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके इष्ट क्या है। अगर आपको उत्तर शिव जी आता है तो आप शिव जी की पूजा पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें। गणपति जी अगर आते हैं तो उनके मंत्रों का जाप करें और उनकी पूजा अर्चना करें। माँ भगवती, हनुमान जी महाराज, श्री राम जी, जो भी आपके इष्ट हो, एक किसी भी इष्ट को साध लें, एक साधे सब सधे, सबको माने, सबको इज्जत दें, अच्छी बात है। पर मेरा ऐसा मानना है कि एक साधे सब सधे, इसलिए किसी भी एक को इष्ट बनाएं और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप माने। तो यही है इष्ट आपके, जो आप खुद एकांत में इसे समझें। और आप यदि आपके इष्ट आपको पता है कि क्या है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपने इष्ट का नाम लिखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।